और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े जिनके अंदर टैलेंट था बट वो जो है वो उसको छुपा के रखा हुआ था और डर रहे थे गाने से. लेकिन आज वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ऑडिशन दिया, आप लोगों ने देखा. और आज एक और पार्टिसिपेंट है हमारे साथ, वो हमारे साथ मौजूद है. आगे आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीनियस रिकॉर्ड्स के साथ बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं. कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ ऐसे जो एवरेज गाते हैं. लेकिन हमें सबकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म हमने उन लोगों के लिए रखा है जो ये समझते हैं कि उनके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है और वो यहाँ आके उसको पॉलिश कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली गा सकते हैं. सो आज भी हम आपके साथ मौजूद हैं एक और जीनियस के साथ. और वो जीनियस कौन है ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा ऐश इमरान की तरफ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें कोशिश करनी चाहिए जिसके अंदर कोई अगर गाने का स्पार्क है, पोटेंशियल है, शौक है, जुनून है, तो उसको हमें इनक्रेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए. क्योंकि आज इन्हीं सितारों में से कल के चमकने वाले सितारे बनेंगे. और जिस तरह हर सिंगर का अपना एक स्टाइल होता है, या सुनने का भी और गाने का भी. कुछ क्लासिकल को बहुत अच्छा पसंद करते हैं और क्लासिकल गाते हैं, कुछ पॉप म्यूज़िक को पसंद करते हैं, पॉप गायकी, कुछ प्लेबैक सिंगिंग को. तो इस तरह हर किस्म का फ्लेवर जो है वो हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं हम लोग. और आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, गेस्ट मौजूद हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत कम उम्र हैं, लेकिन माशाल्लाह उनकी आवाज़ बहुत अच्छी. तो हमारे साथ मौजूद हैं बुरहान. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं बुरहान? ठीक है. क्या करते हैं बेटा? कहाँ पर? अच्छा, लाहौर से. ठीक है. और इसके साथ कितनी उम्र से? ज़बरदस्त. और अच्छा बुरहान, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ आज आके आपको जीनियस रिकॉर्ड्स के पास सेट में मौजूद हैं, ऑब्वियसली आप अभी गाएंगे भी, तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेंक एनवायरनमेंट है यहाँ. और मेरे पहले भी फ्रेंड्स आ चुके हैं, उन्होंने ही मुझे गाइड किया था यहाँ आने के लिए. उन्होंने ही कहा कि आप रोज़ करें इमरान भाई को. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा. इट्स रियली गुड के जो लोग यहाँ से परफॉर्म करके यहाँ पे ऑडिशन देके और रिकॉर्डिंग करवा के जा चुके हैं, उन्होंने जाके फीडबैक दिया है, तो उसकी वजह से बुरा आना चाहिए. बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव है. थैंक यू वेरी मच उन लोगों का जिन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया. सो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है, हम आप लोगों को ही प्रमोट करने के लिए जो है प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं आपके लिए. सो आज बुरहान आप क्या सुना रहे हैं? मैं मुस्तफा फतेह खान साहब का गाना है सानू पल चढ़ना. चले जी, किसी पल नहीं आता. सुनते हैं बुरहान से सोनिक पल चैनल आवे. उससे पहले आपको ये बता दें कि आप YouTube पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. ऐश इमरान साजन आप लिखेंगे तो जीनियस हैकर्स का चैनल आ जाएगा, उस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए. और Facebook पे जीनियस हैकर्स का पेज होगा, वहाँ पे साइन इन कीजिए और यहाँ पे हम आपको बोलेंगे कम इन. तो बुरहान से सुनते हैं सोनिक पल चैनल आवे. सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना. हो सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना. कमला डूब डूब जावे, दिल कमला डूब डूब जावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना. ओ सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना. ओ
चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना दिल कमला डूब डूब जावे दिल कमला डूब डूब जावे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना आवे आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना हो एक पल चैन ना आवे आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना काफ़ी ज़्यादा जो है वो इमोशनल कर दिया बुरहान ने बिकॉज मैं जब भी ये गाना सुनती हूँ मेरी फ्रेंड है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है सो मैं उसे याद ज़रूर करती हूँ सो दिस टाइम आई एम सो इमोशनल बुरहान आपको बहुत अच्छा गाया और कुछ यादें ऐसी जुड़ी होती हैं आपकी शख्सियत के साथ जब उनका जिक्र आता है तो फिर यहाँ की प्रॉब्लम हो जाती है खैर बुरहान ने बहुत अच्छा गाया बड़ी अच्छी रेंज है इनकी अप्स एंड डाउन में और बहुत कमाल के साथ गाया तो क्या प्लान है आपका सिंगर बनना चाहता हूँ स्टडी के साथ फिट करने के बाद स्टडी जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ सोचा प्रोफेशनल लाइफ में क्या करेंगे जर्नलिज्म में कर रहा हूँ स्टडी शौक है वो भी जर्नलिज्म लेकिन सिंगिंग पैशन बिल्कुल बिल्कुल तो सिंगिंग जो है आपका पैशन है बुरहान आगे फर्दर सिंगिंग का आपने बताया तो ये बताएं कि अगले 4 या 3 सालों के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं सिंगिंग इंशाल्लाह कोशिश है कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रगल में लगा हुआ प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है रहे तो इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल मैंने जरूर विश यू गुड लक और आप लोग भी जो हमें देख रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोगों को भी लगता है कि आप लोग जीनियस हैं और आपके अंदर कोई भी टैलेंट है इवन आप सिंगर हैं या आर्टिस्ट हैं देखिए मेरे पास कॉल्स इसलिए आ रही हैं कि मैं भी जो है वो फेसबुक पर अपनी चीज़ें डालती रहती हूँ कि हम लोग ऑडिशन स्टार्ट कर रहे हैं सो अगर आप लोग सिंगर हैं एक्टर हैं कुछ भी हैं सो आप लोग उसको हमें आके ज्वाइन कर सकते हैं आप ये चांस अवेल कर सकते हैं आपके पास बहुत अच्छा चांस है प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए रखा है कि आप आएँ इसको अवेल करें अपना टैलेंट जो है दुनिया के सामने शो करें और आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ये आपको बिल्कुल आप यूट्यूब पर जाके ऐश इमरान साजन लिखेंगे तो जीनियस राइटर्स का चैनल आ जाएगा और फेसबुक पर जीनियस राइटर का पेज होगा जहाँ पर आप साइन इन करेंगे और हम आपको यहाँ पे कम इन
इन करेंगे। बुरहान ने बहुत अच्छा गाया है, इंशाल्लाह इसी जैसे और बहुत सारे लोग जो अच्छा गाते हैं जो अभी तक दुनिया की नजरों से उजल है, तो जल्द से जल्द हम आपको आपके सामने आएंगे और आप लोग सुनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। Searching for genius.